जैसा कर्म करे दीदारी वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है ये जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। पहले नंबर पर बताया कि उस द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए, इस धरती पर न जाने कितनी नारी हुई लेकिन द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए। एक समय का जिक्र है जब वो सिस्टम सेट को मिला, जो माता पार्वती भोलेनाथ के साथ विहार पर जा रही थी, कामधेनु के साथ पांच सांडों को देख लिया, अस्सी कर ली, उस अस्सी के ऊपर छो मया के गौ माता ने श्राप दिया था कि तू के बनेगी, क्या दर्शा अगले नंबर पर। सुनील मास्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद दिया, ज्यादा धन्यवाद। महाराजियों ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, गुरुजनों के चरण में ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश। दूसरे नंबर पर बताया कि जिस समय वो सनक सनंदन संत के वाराचार्य ऋषि कुमार तीनों लोगों का भ्रमण करके वे खुट धाम में आगे, जय विजय ने पैर के ऊपर डूटी टोक दिया, उड़े शराब दे दिया, और जब विष्णु भगवान की निद्रा टूटी तो देखा दोनों रोन लागे के महाराज शराब उतारो, निबला ऋषियों का शराब टलेगा नहीं। एक जतन है के तो तीन जन्म की बैर ओट लो, ना तो सात जन्म की भक्ति ओट लो,
निमला सात जन्म तो घने हो जाएंगे, तीन जन्म का बैर कबूलिया। पहले नंबर पे हरणा के सपर्ण कशपु, दूसरे पे रावण और कुंभकर्ण, तीसरे पे दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। क्या दर्शाया? इसीलिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा वो
जन्म लेना।